ये हमारा एक बृहत परिवार है, हमें आगे बढ़ना है, यह बात तो ठीक है, मगर इस समाज को, संसार को हमें भूलना नहीं है। सब कोई मिल के लाखों करोड़ों सब कोई ये जो दुनिया में जीवित तथा अजीवित जंगम तथा स्थावर वस्तुएं हैं, सब हमारे बृहत परिवार के शरीक हैं, सबको साथ लेकर हमें चलना है। और पहले ही कहा गया है, इसीलिए भौम जो है, तान्मात्रिक भौम है, इसके भीतर से हमें चलना है, और जो मौल संवृत्ति है उसके साथ संतुलन रखते हुए चलना है। तो यह जो साधना है, तो साधना में मनुष्य को ऐश्वर्य मिलते हैं, मगर मनुष्य ऐश्वर्य के लिए, विभूति के लिए, अलौकिक शक्ति के लिए साधना नहीं करेंगे। साधना का लक्ष्य है, ध्येय है परम पुरुष, और चीज क्या है, राह की धूल है। अलौकिक शक्ति क्या है, रास्ते पर चल रहे हो, धूल लग गया पैर पर, तो अलौकिक शक्ति उस तरह का धूल है, समझे ना। परम पुरुष के प्रति जो मोहब्बत आ गई, वही सबसे कीमती चीज है, और सब धरती का धूल है, इसलिए उसकी ओर तुम्हें दौड़ना नहीं है। हाँ, चलते वक्त कई शक्तियां आ जाती हैं, और ये जो पहले कहा गया है कि संवृत्ति के साथ संतुलन रखते हुए आगे बढ़ना है, बढ़ना है परम पुरुष की ओर। उसी से अनिमा, लघिमा, महिमा वगैरह अलौकिक शक्तियां आती हैं। एक तो मन को शुद्र बनाकर हर चीज के भीतर, हर चीज के की तरंगों के साथ अपने को नचाना, अपने को चलाना जहां संभव होता है, अपने को बिंदु नहीं बनाने से हर चीज के छंद के साथ नचना नामुमकिन है। लगी में ठीक वैसा ही कूद को हल्का बनाकर हर इंसान के, हर जीव के दुख की कहानी समझनी है, तब ना दुनिया का कल्याण कर सकोगे। मनुष्य के मन में जो जमा हुआ दुख है, जो आंसू है, उसे समझना है, तब ना तुम दुख को हटा सकोगे। समझने के लिए ये शक्ति आ जाती है, जिसे लघिमा कहते हैं। और महिमा है खुद को बृहत बना लेना, इतना बड़ा कि समूचा विश्व ब्रह्मांड तुम्हारे मन के अंदर आ जाए, तब ना तुम हर चीज को, हर सत्ता को अपना मान लोगे। उसके ऊपर उठने के लिए भक्ति जरूरी है, बिना भक्ति के आखिर तक जीवों की तरक्की नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह, जो सर्वज्ञत्व है, ये सर्वज्ञत्व के लिए भक्ति की आवश्यकता तो है ही, किंतु परम पुरुष को जानना जो मानव जीवन के लिए सारा सार है, सबसे बड़ा व्रत है, उसके लिए वो पॉजिटिव माइक्रोवेटर से थोड़ी सी मदद मिल सकती है, और अधिक मदद मिलती है अपनी भक्ति से, और भक्ति रहने से, उस भक्ति के जरिए से परम पुरुष को तुम अपने पास बुला सकते हो। तुम्हारी भक्ति के जरिए से होता है क्या, भक्ति की अधिकता रहने से परम पुरुष को तुम्हारे पास आना पड़ेगा, उनके लिए तुम्हारे पास आना उनके लिए फर्ज बन जाता है। इसलिए और कुछ हो चाहे ना हो, अगर भक्ति रह गई तो उनमें सब कुछ रह गया है। तो ये इसी के द्वारा मनुष्य परम पुरुष को पाते हैं, और परम पुरुष से एक ही भूत हो सकते हैं, जो मानव जीवन के लिए चरम तथा परम तत्व है। तो साधना से
इसी तरह से आगे बढ़ना है ना। तो साधना की शुरुआत में यह जो कर्तृ अहम, मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, यह जो मैं साधना शुरू कर देता है। जब तक ये साधना स्थूल भूमि में तथा स्थूल मानसिक भूमि में चलती है, तब तक यही कर्तृमय करता है साधना। उसके बाद जब साधना स्थूल मानसिक, मानसिक तथा मानसाद व आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाती है, तब ये साधना करता है ज्ञमय, जानने वाला मैं। मगर साधना के जो चरम स्तर है, आध्यात्मिक भूमि है, वहाँ पॉजिटिव माइक्रोबाइटा भी कुछ नहीं कर सकता है, और कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, बुद्धि ज्ञान भी कुछ नहीं कर सकता है, सब कोई फेल कर जाता है। उस हालात में परम पुरुष की कृपा ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सहारा है। तो कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। तो जो मनुष्य बहुत आगे बढ़ गए हैं, जो अनुभवी मनुष्य हैं, उन्हें मानना पड़ता है कि ब्रह्म कृपा ही केवलम, उनकी कृपा से ही सब कुछ होता है, सब कुछ रहता है, और हर चीज का अंत भी उनकी कृपा से होता है। ये जो यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ताभि संविशन्ति, उन्हीं की कृपा से इस दुनिया की पैदाइश हुई, उन्हीं की कृपा से दुनिया जीवित है, और उन्हीं की कृपा से ही सब कुछ अंत तक उन्हीं में मिल जाएगा। तो आखिर तक साधना मार्ग की आखिरी बात है क्या? परम पुरुष की कृपा, कृपा ही वा केवलम। तुम लोग यह बात समझ लो, इसी के अनुसार चलो। आध्यात्मिक भूमि में सिर्फ जागतिक भूमि में नहीं, सिर्फ जागतात्मिक मानसिक भूमि में नहीं, सिर्फ मानसिक भूमि में नहीं, सिर्फ मानस आध्यात्मिक भूमि में नहीं, सिर्फ ऐश्वर्य तथा ओकल्ट पावर में भी नहीं, सब कुछ जिसे हम कह सकते हैं वो परम पुरुष की कृपा पर मौकूफ है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हीज ग्रेस। जाई बोलो, जाई भाबो, जा बोलो ना, जा भाबो ना, सब कुछ सही एक परम तत्वेर कृपाय विधृत। यही मूल नीति, यही मूल सत्य যে মানুষ যত তাড়াতাড়ি বোঝে সেই তত বেশি বুদ্ধিমানী।